हाई एवरी वन वेलकम टू सी टी बाई आर्टर ट्वेंटी फोर सेवन गाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए uh, यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रोसीजर्स है वो आपके क्लियरली मेंशन है आपके सी एस एस और यू जी बी ओ आई दैट इज ंडर ग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में जिस तरीके से आप वहां पे जो भी चीजें मैंशन है उसको फॉलो करते हुए आप एडमिशन लेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस रिलीज की गई है उसमें पर पूरा क्लियरली मैंशन है कि किस तरीके से आप यहाँ पर जाके अपने प्रेफ्रेंसिस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैसे आप अपग्रेड करेंगे फ्रीज करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मैंशन है सबसे बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स का है कि किस तरीके से हम अपग्रेड करे फ्रीज करें तो Uh, आज के सेशन में हम उसी को उसी डाउट को आ, आपको क्लियर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि किस तरीके से आपको अपग्रेड और फ्रीज करना है क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखना है उसको करते समय वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे तो जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आ, आपने अपग्रेड के आ, के ऑप्शन पर अगर सेलेक्ट किया है यहाँ पर तो आप जो भी कैंडिडेट्स अपग्रेड पर क्लिक किए हैं वो भी जितने भी हायर प्रेफरेंस यहाँ पर यू नो जो कैंडिडेट्स के द्वारा सबमिट किया गया है वो वहां पर एलिजिबल हो जाएंगे चीज के लिए बाकी नीचे के जितने भी प्रेफरेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो वो फिर से उस प्रोग्राम या फिर कॉलेज को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और हायर प्रेफरेंस ऑर्डर को वो कोई भी प्रोग्राम या कॉलेज वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है किसी भी कॉलेज में तो वो दोबारा अगले राउंड में वो भी वो कॉलेज या प्रोग्राम उनको अलॉट नहीं होगा साथ ही साथ जितने भी लो प्रेफ्रेंस हैं यू नो हाई प्रेफरेंसेस से जितने भी नीचे के सारे प्रोग्राम्स कॉलेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिलेशन uh, में आ जाएंगे वो दोबारा उस प्रोग्राम को नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलेज को नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर उन्होंने अपग्रेड या फिर फ्रीज uh, पर भी uh, दोनों में से किसी को भी चूज नहीं किया है तो वो कैंसिलेशन में आ जाएगा ठीक है अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं की है तो फिर पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है अगर आपने अपग्रेड कर दिया ठीक है अगर आपने अपग्रेड कर दिया और अगर आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की अगर आपको जो, जो भी अगर आपने किसी अगर आपने अपग्रेड कर दिया है ठीक है हाई प्रेफरेंस ऑर्डर में से आप किसी को भी आप चूज नहीं कर सकते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे सी एस एस से ठीक है तो आपको वो मैंडेटरी हो जाएगा जब आप अपग्रेड करेंगे मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको उसमें से आपको कॉलेज और जो भी आपका प्रोग्राम से आपको सेलेक्ट करना ही होगा वहां पर अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते तो आप सीधे के सीधे बाहर हो जाएंगे सी एस ए एस से ठीक है तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है अपने अपग्रेड और फ्रीज करते समय और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने फ्रीज कर दिया ठीक है अगर आपने फ्रीज कर दिया है तो आप यहाँ पर जो भी एलोकेटेड सीट्स हैं, जहाँ पे यू uh, नो you know, uh, uh, अगर आपको अपने मनपसंद की वहां पे सीट मिल गई है ठीक है तो आप वहां पे फ्रीज को ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली जो है वहां जाके वो सबमिट हो जाएगा और फिर आप अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर अलाउड नहीं रहोगे सो so, ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप अपग्रेड और यहाँ पर यू you नो know, फ्रीज को लेके सो आई होप आई हैव आई हैल्प यू इन एनी वे अपग्रेड और फ्रीज को किस तरीके से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं सो so, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा जय हिंद दोस्तों